समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण को हल करना है, इसमें चर कौन है, ये वाई, ये क्या है चर, इसको एक तरफ रखना है और बाकी को सर समीकरण से उधर ले जाना है, समीकरण यानी हमारे पूरा, इसका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अब देखो y बटे चार, y अपॉन फोर, अब ये धन पांच बटे तीन है ना, इसका पक्षांतर कर देते हैं, यानी पांच बटे तीन पार्टी बदल देगा, अब पार्टी बदलेगा तो इसका चुनाव का चिन्ह बदल जाएगा ना, इधर की पार्टी में कौन है, दो बटे तीन थाई सही, ये थाई सही, तो इसे पहले लिखेंगे, अब नया कौन आएगा, ये आएगा, ये पांच बटे तीन क्या था, धन था, तो क्या हो जाएगा, ऋण पांच बटे तीन, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, तो y बटे चार, अब इधर इसका हर तीन, इसका भी हर तीन, हर समान है ना, तो क्या करो एक बार लिखो, ये दो, ये ऋण पांच, तो y बटे चार बराबर, देखो ये धन के दो और ये ऋण का पांच, हर समान चिन्ह है तो झगड़ा हो जाएगा, तो पांच में से दो जब चला जाएगा, तो पांच में से दो जाए कितने बचेंगे, वो धन के ही ऋण के, ऋण के, ऋण के तीन बटे, अब इधर देखो तीन नीचे भी है, तीन ऊपर भी है, बात चला जाएगा, तीन एका, तीन एका, तो y बटे चार बराबर ऋण का एक बचेगा, बचेगा ही बचेगा, ठीक है, तो y बराबर ऋण का एक सही सही, अभी चार का भाग में है ना, तो समीकरण में चार का गुणा करेंगे तो ये तो मर जाएगा, तो चार कहाँ चला जाएगा, गुणित, आप तो ऐसा समझो कि चार का भी पक्षांतर करेंगे, तो भाग में है ना, तो कहाँ चला जाएगा, एक के साथ गुणे में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, चार एकम चार, धन ऋण ऋण, तो y का मान कितना आएगा, ऋण के चार, क्लियर है, ये था समीकरण जिसमें चर हमारा y था, y का मान कितना आया, ऋण चार, ठीक है।